ओके सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फार्मा नॉलेज चैनल। टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फार्माकोथेरापेटिक्स। ओके दैट मीन्स सिलेबस ऑफ फार्माकोथेरापेटिक्स। डी फार्मेसी सेकेंड ईयर में जो आपको सब्जेक्ट है ओके फार्माकोथेरापेटिक्स, उसका थ्योरी का हम यहाँ पे सिलेबस देखने वाले हैं। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। लास्ट पीसी फर्स्ट एंड पीसी सेकेंड आपको मीन्स ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो केमिस्ट्री फर्स्ट में दिया है मीन्स फर्स्ट ईयर में। ओके और सेकेंड ईयर में ये न्यू सिलेबस ऐड हुआ है फार्माकोथेरापेटिक्स। फार्माकोथेरापेटिक्स मीन्स पैथोलॉजी, जो बी फार्म को पैथोलॉजी का सब्जेक्ट है उसी का यहाँ पे आपको डिप्लोमा में ये सब्जेक्ट दिया है जो कि इम्पोर्टेंट है। ओके सो वन बाय वन हम यहाँ पे चैप्टर भी देखेंगे और वेटेज कितने वेटेज का ये चैप्टर है। ओके सो सिलेबस है इम्पोर्टेंट है, जैसे कि आपको फार्माकोलॉजी है, कोलॉजी है, कोग्नोसी है, उसी टाइप में फार्माकोथेरापेटिक्स डिसीज पैथोलॉजी। ओके डिपेंडिंग अपॉन द डिसीज, नंबर ऑफ डिसीज के लिए ये सब्जेक्ट है। ओके सो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे चैप्टर देखिए, टू चैप्टर है, सिर्फ टू चैप्टर्स है यहाँ पे, लेकिन सेकेंड चैप्टर जो है, सेकेंड चैप्टर में बहुत सारे सब टाइप्स हैं। ओके जो कि हम आगे देखने वाले हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर देखिए, फर्स्ट चैप्टर में क्या है, फार्माकोथेरापेटिक्स मीन्स फार्माकोथेरापेटिक्स का डेफिनेशन है, जो भी इंट्रोडक्शन है, देन स्कोप है, ऑब्जेक्टिव्स है, रैशनल यूजेस ऑफ मेडिसिन है, देन एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, ओके इसेंशियल मेडिसिन है, लिस्ट स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडेंस है। ओके फार्माकोथेरापेटिक्स मीन्स वॉट, जो भी ड्रग डिसीजेस है, नंबर ऑफ डिसीज है, मलेरिया है, देन कार्डियोवेस्कुलर डिसीजेस है, ओके देन सीवीएस है, ओके प्लस सीएनएस एएनएस डिपेंडिंग जो भी डिसीजेस है, सो उसके ऊपर जो भी प्रिवेंशन है, ट्रीटमेंट है, ओके सो उन सारे ट्रीटमेंट का या प्रिवेंशन, देन जो भी उसका थेरापेटिक एक्टिविटी है, ओके जो कि हम यहाँ पे यूज करने वाले, इन डिटेल स्टडी हमें फार्माकोथेरापेटिक्स में देखना है। ओके देन इंट्रोडक्शन, स्कोप, क्या स्कोप है, ओके देन ऑब्जेक्टिव, यूजेस, मेडिसिनल यूजेस, ओके कौन सा मेडिसिन किस डिसीज पे यूज कर रहा है, ओके देन इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट, जो भी लिस्ट है नंबर ऑफ मेडिसिन के डिपेंडिंग अपॉन दैट डिसीज। ओके सो इन डिटेल स्टडी हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। नंबर ऑफ आवर्स कितना है, 8 आवर्स का ये चैप्टर है, मीन्स ये चैप्टर सीखने के लिए आपको 8 आवर्स लगेंगे यहाँ पे। ओके सो सिंपल चैप्टर है फर्स्ट वाला, जो कि इंट्रोडक्टरी पार्ट इसमें ज़्यादा है। नाउ सेकेंड चैप्टर, ओके सेकेंड चैप्टर क्या है, डेफिनेशन ऑफ इटियोपैथोजेनेसिस, देन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, नॉन फार्माकोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ द डिसीज एसोसिएटेड विथ। नाउ इन डिटेल स्टडी देखना है हमें, ओके कौन से ड्रग का, ये जो यहाँ पे ए बी सी डी जो यहाँ पे इन्होंने दिया है, देन सी है, डी ई एफ जी एच आई, ओके देन एच में कुछ सब पॉइंट्स भी है। ओके सो वन बाय हम यहाँ पे सब टाइप्स भी देख लेते हैं। सबसे पहले कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, तो कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम मीन्स जो कार्डियक सिस्टम है, हार्ट सिस्टम। ओके फर्स्ट ईयर में आपको सेपरेट चैप्टर था, ओके एंटी कार्डियक ड्रग। ओके सो जो भी सीवीएस रिलेटेड जो भी ड्रग है, ओके सो वो सारे डिसीजेस हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं, दैट इज द हाइपरटेंशन, एंजाइना पेक्टोरिस है, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, ओके देन हाइपरलिपिडेमिया है, कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर है, हार्ट रिलेटेड जो भी डिसीजेस है वो हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। क्लियर? सो ये नंबर ऑफ आवर्स कितना है, 8 आवर्स का ये सब पॉइंट है। ओके मीन्स ये सेकेंड चैप्टर में ही आता है। देन नेक्स्ट सेकेंड सब पॉइंट है इस चैप्टर का, रेस्पिरेटरी सिस्टम। नाउ व्हाट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, नोज से लेकर लंग्स तक का जो ट्रैक्ट है, दैट इज अ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके सो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो डिसीजेस है, अस्थमा है, सीओपीडी है, ओके सो इस डिसीज का जो भी क्लिनिकल एक्शन है, ओके नॉन फार्माकोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है, ओके डिपेंडिंग अपॉन दिस डिसीज। ओके तो इन डिटेल हम इस चैप्टर का या डिसीजेस का इस चैप्टर में देखने वाले हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके मींस जो भी प्रिवेंशन है, ट्रीटमेंट है, ओके सो वो पैथो में हम देखने वाले हैं। देन नेक्स्ट नंबर ऑफ वेटेज,
कितने वेटेज का ये चैप्टर है या कितने हावर्स का ये चैप्टर है, 4 हावर्स का। ओके, देन थर्ड सब पॉइंट है एंडोक्राइन सिस्टम। नाउ व्हाट इज एंडोक्राइन सिस्टम? एंडोक्राइन सिस्टम मीन्स इनसाइडल सिस्टम। जो भी डायबिटीज है, थायराइड डिसऑर्डर्स है, डिपेंडिंग अपॉन द ग्लैंड्स, जो भी ग्लैंड्स है हमारे, थायराइड ग्लैंड है। ओके, सो ग्लैंड के जो भी डिसीजेस हैं, एड्रेनल ग्लैंड है लेकिन आपके सिलेबस नहीं है उसके टाइप के डिसीज, मीन्स किडनी रिलेटेड या रिनल सिस्टम के जो भी डिसीजेस है वो आपको नहीं है, लेकिन यहाँ पे डायबिटीज प्लस थायराइड डिसऑर्डर्स मीन्स एंडोक्राइन सिस्टम के डिपेंडिंग ये डिसीजेस है। ओके, सो इसका इन डिटेल हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। नंबर ऑफ हावर्स है 5, 5 हावर्स में हम ये चैप्टर सीखने वाले हैं। देन नेक्स्ट डी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओके, फोर्थ नंबर का जो सब पॉइंट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एपिलेप्सी, पार्किंसन डिसीज, अल्जीमायर डिसीज, स्ट्रोक एंड माइग्रेन। माइग्रेन जो भी आपके ब्रेन रिलेटेड जो डिसीजेस हैं, ओके, वो हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं, इन डिटेल स्टडी करने वाले हैं, दैट इज अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओके, नंबर ऑफ हावर्स है 8 हावर्स का एक चैप्टर है, मीन्स मेजर चैप्टर है आपका फार्माकोथेरापेटिक्स का ये। देन नेक्स्ट सब पॉइंट है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर ये तो हमें फर्स्ट ईयर भी देखा है, जो भी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसके लिए जो एंटासिड्स या अदर कैथरेटिक्स है, ओके, पर्गेटिव्स है, ये हमने यूज किए हैं ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में। सो जीआईटी ट्रैक्ट मीन्स गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या डाइजेस्टिव सिस्टम है, ओके, उसके रिलेटेड जो भी डिसीजेस है वो हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल अल्सर है, पेप्टिक अल्सर, ओके, सो पेप्टिक अल्सर डिसीज, देन गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज, ओके, अल्कोहलिक लीवर डिसीज, इन्फ्लामेटरी बॉवल डिसीज, ऑल्सो नोन एज अ क्रॉन्स डिसीज एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सर मेन प्रॉब्लम है, ओके, जीआईटी सिस्टम का। सो इन डिटेल स्टडी हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। नंबर ऑफ आवर्स इज 8 आवर्स का, मीन्स ये भी मेजर चैप्टर है, ओके, फार्माकोथेरापेटिक्स का। देन नेक्स्ट, तो नेक्स्ट वन इज अ हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। हेमाटोलॉजिकल, हेमाटो मीन्स ब्लड, ओके, हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स मीन्स जो भी ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स है, ओके, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, उनके मीन्स एचबी लेवल जो है, ओके, हीमोग्लोबिन अगर आपके ब्लड में कम होता है सो दैट इज अ एनीमिया। सो उसके रिलेटेड भी डिसीजेस है, नंबर ऑफ टाइप्स है एनीमिया के, फॉर एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया, देन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, मेगा ब्लास्टिक एनीमिया। ओके, सो इम्पॉर्टेंट डिसीजेस है, ओके, जिसका इन डिटेल स्टडी हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। नंबर ऑफ हावर्स इज अ 4 हावर्स का चैप्टर है ये, ओके, मीन्स इम्पॉर्टेंट है लेकिन बहुत ईजी है। ओके, देन नेक्स्ट चैप्टर है इन्फेक्शियस डिसीजेस, मीन्स जो भी इन्फेक्शन है, फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस, प्रोटोजोआ, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका जो इन्फेक्शन हो रहा है, ओके, सो उस इन्फेक्शन के ट्रीट करने के लिए हम जो डिसीज सॉरी ड्रग यूज करते हैं दैट इज अ इन्फेक्टिव ड्रग्स, ओके, या एंटी इन्फेक्टिव ड्रग्स हमने फर्स्ट ईयर में देखा है, दैट इज अ इन्फेक्शियस डिसीज। ये सारे कौन से डिसीज है? इन्फेक्शियस डिसीज, फॉर एग्जाम्पल टीबी है, ट्यूबरक्यूलोसिस, देन निमोनिया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ओके, देन हेपेटाइटिस है, देन गोनोरिया एंड सिंफाइलिस है, देन मलेरिया, एचआईवी, ओके, एंड लास्ट वन इज अ वायरल इन्फेक्शियस डिसीज। ओके, सो ये जो भी इन्फेक्शियस डिसीजेस है वो हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं इन्फेक्शियस ड्रग्स के साथ। ओके, सो नंबर ऑफ हावर्स है 12 हावर्स का एक चैप्टर है, मीन्स ज़्यादा वेटेज का है चैप्टर है। फार्माकोथेरापेटिक्स में सबसे मेजर यही चैप्टर है आई थिंक, जो कि 12 हावर्स में आपको सीखना है। ओके, देन नेक्स्ट नेक्स्ट सब पॉइंट है मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर। मस्कुलो मीन्स मसल, स्केलेटल मीन्स जो बोन है, ओके, मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स। एग्जाम्पल इज और डिसीज इज अ रेमेटॉइड आर्थराइटिस, देन ऑस्टियो आर्थराइटिस। इम्पॉर्टेंट है जो भी बोन रिलेटेड, ज्वाइंट रिलेटेड या मसल्स रिलेटेड जो डिसीजेस है, इन डिटेल स्टडी हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। नंबर ऑफ आवर्स इज 3, ओके, देन नेक्स्ट इसी में सब टाइप्स है अभी। मसल्स मीन्स स्किन भी आएगा उसमें, दैट इज अ डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी मीन्स जो स्किन रिलेटेड डिसीज है, आप डर्मेटोलॉजिकल ट्रीटमेंट लेते हैं स्किन स्पेशलिस्ट से, दैट इज अ डर्मेटोलॉजिकल ट्रीटमेंट। ओके, डिसीज इज अ साइकोरिस, देन स्कैबीज है, ओके, देन
इस्केजिमा है, ओके, जो कि डर्मेटोलॉजिकल डिसीजेस है. देन सेकेंड वन इज अ साइकेट्रिक डिसऑर्डर, इज अ डिप्रेशन, एंजाइटी एंड साइकोसिस. जो भी साइकोटिक पेशेंट है, साइकोटिक पेशेंट दैट मीन्स मेजर ट्रांकुलाइजर हम जो यूज़ करते हैं साइकोटिक पेशेंट के लिए, सो उसके उनके लिए डिप्रेशन है, एंजाइटी है जो कि मेन डिसीज है. सो उसके लिए हम एंटी एंजियोलाइटिक, एंजियोलाइटिक देन माइनर मेजर ट्रैंकुलाइजर जो भी हम यूज़ करते हैं, आगे आपको सीखने को मिलेंगे, ऐसे आपको पता नहीं चलेगा. सो साइकोटिक मीन्स साइकोटिक जो पेशेंट है, मेंटली डिस्टर्ब है, सो पेशेंट के लिए जो हम ड्रग यूज़ करेंगे या जो डिसीजेस है, इन डिटेल स्टडी हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं. नंबर ऑफ आवर्स कितने हैं, 4 आवर्स का चैप्टर है, क्लियर. देन नेक्स्ट नेक्स्ट सब पॉइंट है ऑप्थेल्मोलॉजी. ऑप्थेल्मोलॉजी मीन्स वॉट, अब इतना तो हमें पता ही है, जो भी आई रिलेटेड, ओके, जो भी ऑर्गन है आई रिलेटेड जो भी डिसीजेस है, वो हमें ऑप्थेल्मोलॉजी में स्टडी करने को मिलेंगे. एग्जाम्पल इज अ कंजक्टिव एंड ग्लूकोमा, ओके, दोनों भी इम्पोर्टेंट डिसीजेस है डिपेंडिंग अपॉन द ऑक्यूलर सिस्टम, ओके, ऑक्यूलर कैविटी. नंबर ऑफ आवर्स इज अ 2. द नेक्स्ट एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस. एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कौन कौन से हम यूज़ कर रहे हैं, सो इसका इन डिटेल स्टडी हमें इस चैप्टर में देखना है. नंबर ऑफ आवर्स 4, 2, सॉरी. देन वुमन हेल्थ, वुमन हेल्थ रिलेटेड जो भी डिसीजेस है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिलेटेड, एग्जाम्पल इज अ पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, देन डेस मेनोरिया एंड प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, जो कि इम्पोर्टेंट है, ओके. सो 4 आवर्स का ये चैप्टर है, क्लियर, ओके, फिनिश. सो बहुत इजी सिलेबस है. जो भी आप डिसीज यहाँ पे आपने सुने हैं, जो कि हमने पहले से ये डिसीज हमें पता है, ओके, हमने कहीं ना कहीं ये नाम सुने हैं, तो बहुत इजी सिलेबस है फार्माकोथेरापेटिक्स का. पीसी सेकंड तो पीसी सेकंड से भी ज़्यादा इजी है फार्माकोथेरापेटिक्स, ओके. सो चलिए वन बाय वन इसी जो भी चैप्टर्स है, चैप्टर वाइज आपको यहाँ पे वीडियो भी मिलेंगे आगे, ओके. तो ये था फार्माको थेरापेटिक्स का डिटेल सिलेबस, क्लियर. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू.